ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी इन्होंने मुझे गिफ्ट की है प्रिंसिपल इंजीनियर बनने पे। आप इसका जायजा क्यों ले रहे हैं? खरीदने वाले हाँ, मुझे नेस्पा की तरफ से मिली, सीटें ही लगवाएंगे इस गाड़ी में। ये है वो जिनके साथ मैं मजबूरन जा रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि इंसान को इनके साथ दोबारा कभी जाना पड़े, मगर इन्होंने अपनी जान खतरे में डाल के हमें छोड़ा है। हम कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मंडे शुरू हो गया, मंडे का मिड डे, ऑफिस से मैं निकल के जा रहा हूँ मैकेनिक के पास, इसलिए कि मेरी गाड़ी में काफ़ी दिन से काफ़ी काम निकले हुए थे और मेरे काम हो नहीं पा रहे थे। अब जब मैंने गाड़ी ले जाने का प्लान किया तो हमारे साथ एक साहब हैं, वो खामा का साथ लग गए, उन्होंने कहा मैं भी गाड़ी लिखा था हूँ अपनी, इसलिए उनकी गाड़ी में आवाज़ निकल रही है। हालांकि मैंने उनकी गाड़ी में वापस आना था, बट अब वो कहते हैं अपनी गाड़ी के साथ लेकर आऊँगा। कैसे हैं आप? वैसे ही हैं, वैसे ही हैं। आप जॉन? आपकी बात कर रहा हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो आपको कैसे एहसास हुआ कि आपको अपनी गाड़ी मेरे साथ ले जानी चाहिए सही कराने के लिए, जबकि मैंने आपकी गाड़ी में वापस आना था? गाड़ी सुनती ही ना कुछ वॉइस। तुम्हारी गाड़ी में क्या हुआ? लॉकिंग कर रही थी गाड़ी। लॉकिंग कर रही थी गाड़ी। और वापसी में रिक्शा किराया कौन देगा? मेरी गाड़ी तो फौरन सही हो जाएगी। फौरन सही हो जाएगी तो आप उसे बैठ के आ जाएंगे? चलिए देखते हैं, गाड़ी फौरन सही होती है मेरी गाड़ी। हम अपनी गाड़ी में, बहुत शदीद गर्मी है, गाड़ी का एसी भी ख़राब है, ताहा जा रहा है अपनी गाड़ी में, उसको भी गाड़ी की इंजन नॉकिंग की आवाज़ आ रही थी, तो देखते हैं हम दोनों का डेंट कितना पड़ता है। ये जो गाड़ी का खर्चा होता है ना, कि दिल पे डेंट लगता है, अचानक से आपके ऊपर आता है। और मेरी गाड़ी में तो काफ़ी दिन से आवाज़ें आ रही थी स्टीयरिंग की, ब्रेक की, तो हम जा रहे हैं मैकेनिक के पास और देखते हैं क्या बनते हैं हमारे बिल। मुझे जाना था लिबर्टी सिग्नल एंड आई टेक अ रॉन्ग मूव और मैं आ गया सिंधी मुस्लिम की तरफ, और यहाँ से मुझे रश भी मिल रहा है और मुझे फंसते फंसाते जाना पड़ रहा है, और लंच टाइम में मुझे भूख भी लग रही है। सारे फास्ट फूड वाले तो पीछे निकल गए, बट खैर हम चले जा रहे हैं। मुझे यकीन है मेरे पीछे जो साहब आ रहे हैं मुझे काफ़ी बुरा भला कह रहे होंगे, इसलिए कि मैं बहुत लंबे रास्ते से लेकर आया हूँ, और दूसरी बात ये वो सिग्नल में फंस गए और मैं रहमानिया मस्जिद के पास खड़ा हूँ, उनका इंतजार कर रहा हूँ कि वो साहब तशरीफ़ ले आएँ तो हम मैकेनिक के पास चले जाएँ। आने दें उनको। इस वक्त आ गए तारिक रोड पर मैकेनिक की गली के अंदर, और देखते हैं हमारे भाई साहब आ गए हैं आदिल भाई के नहीं आए। ये ट्रायल का वक्त शुरू होने वाला है, मैकेनिक साहब इज हियर, हमारे आदिल भाई बड़े अच्छे आदमी हैं, अब हम गाड़ी की ट्रायल लेंगे तो पता चलेगा क्या हुआ है। और दूसरी गाड़ी जो हमारे ताहा साहब लेकर आए हुए थे उसमें भी जो मसला वो लेकर आए थे वो मसला निकला नहीं। आदिल साहब गए हुए हैं किसी और गाड़ी की ट्रायल लेने, और ताहा साहब की गाड़ी का जनरेटर वो कर रहे थे, उनकी वाटर बॉडी लीक कर रही है, बेचारे गए आगे एस्टिमेट लेने वाटर बॉडी का, यहाँ आगे सबके खर्चे निकल जाते हैं। मेरे साथ बैठे हुए आदिल भाई, नाम है आपका आदिल भाई, मैं तो आपको आदिल आदिल करता रहता हूँ। अच्छा आदिल भाई बैठे हुए, मैं उनको दो साल से आदिल आदिल कह रहा हूँ, दो साल पहले इनके पास में आया था, और ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह काम करते हैं, तारिक रोड पे लाचीन से पहले वाली गली में इनका वर्कशॉप है, अगर आपने कोई काम कराना है तो आप इनसे आए कराएं। नदीम सस्पेंशन वर्क के नाम से इनकी शॉप है, और हम ट्रायल पर जा रहे हैं और दुआ करें कि ट्रायल पर बहुत ज़्यादा ट्रायल निकला है गाड़ी के अंदर और काम मुनासिब हो जाए। तो क्या मसला निकला गाड़ी में? स्टीयरिंग ब्रेक की आवाज़ है। हाँ, ब्रेक की लिपर की, लक लिपर की। लंबा काम है? हाँ, है इतना ज़्यादा? इतना ज़्यादा नहीं है, चलो देखते हैं। आया था सस्पेंशन और ब्रेक का काम करा दें स्टीयरिंग का, यहाँ आके मुझे लगा कि एसी वाला भी यहीं बैठा है, और काफ़ी दिन से गाड़ी का एसी ख़राब है, तो बजाय इसके मैं कहीं और जाऊँ यहीं से एसी का काम करा लूँ। फिर मैंने आदिल भाई से कहा यार एसी वाले को बुला लें कोई, अब वो नेगोशिएशन कर रहे हैं उसको बुलाने के लिए। आदिल भाई के साथ, आदिल भाई के साथ भाई एसी वाले भी आ गए, और हम जाके देखते हैं होता क्या है। ताहा साहब लगे हैं वाटर बॉडी ढूंढने में, वो वाटर बॉडी ढूंढ रहे हैं अपनी। इस पहिए ने वो बेल्ट ने जिंदगी खराब की हुई है। वो कोई मसला नहीं है यार, बेल्ट नहीं दले वो बड़े, देख ले मसला क्या है। वर्कशॉप पे और गाड़ी की वाटर बॉडी खरीद रहे हैं, किस चीज़ से तबाही मचाई हुई है? नमान साहब आप क्या काम कर रहे हैं गाड़ी का? वाटर बॉडी चेंज कर रहे हैं। वाटर बॉडी चेंज कर रहे हैं, कितनी देर में चेंज करते हैं? तकरीबन एक से डेढ़ घंटे में। मजदूरी कितनी लेते हैं? 2000 लेते हैं। डिस्काउंट देंगे आप हमारे व्लॉग के बाद जो आएगा आपको देख के? जी सर बिल्कुल देंगे, 500 रुपये डिस्काउंट देंगे। चलो ठीक है, होकर रोड पे चले जा रहे हैं ताकि रिक्शा लेके ऑफिस जाएं। रिक्शा कराया तुमने देना, कोई गाड़ी सही नहीं हुई, याद है ना? आइसक्रीम भी खिला देना, कुल्फी खिला देना। गला किसका? हमें खिला देना।
हम रिक्शा में बैठ के लिबर्टी के सिग्नल से जा रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ, और इतने शोर में आपको मेरी आवाज़ शायद नहीं आ रही हो, मगर बहुत मज़ा आ रहा है बहुत अच्छे वाले रिक्शा में बैठ के। तो मैं रिक्शा से दिखाता हूँ तारिक रोड, ये चल रही तारिक रोड की मार्केट। वापसी में हमने एक बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं बेचारे, उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई, रिक्वेस्ट नहीं करी उनसे, हमने कहा आपने छोड़ना है हमें, और उन्होंने इतना नखरा दिखाया, पता नहीं लोगों के पास एक जरा सी किसी से काम पड़ जाए ना तो उसका दिमाग सातवें आसमान पे चला जाता है। ये वही आदमी है जिनको ये बदतमीजी कर रहा है, कह रहा रीटेक है, और ये बहुत बदतमीज आदमी है, मैं यही डालूंगा एज इट इज, मैं अनसेंसर्ड अनकट चलाता हूं, और इसने मुझे बड़ी मुश्किल से यहां छोड़ा है। एक्टिंग मजा नहीं आ रहा, उसने एक्टिंग करनी है। ये है वो जिनके साथ मैं मजबूरन जा रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि इंसान को इनके साथ दोबारा कभी जाना पड़े, मगर इन्होंने अपनी जान खतरे में डाल के हमें छोड़ा है, इसलिए कि इनके दांत में इतनी तकलीफ है कि जो शायद जानलेवा भी साबित हो सकती थी, लेकिन इन्होंने रोल्स रॉयस में लग रहा है, मैं बहुत जमीन पर बैठा हूँ, इससे मुझे तो मेरी गाड़ी है। ये कौन सी है तुम्हारी, कौन सी गाड़ी है? ये है अपना कौन सी रेवो, क्या है खराब है, तुम लेफ्ट ले लो। अच्छा अब हम पहुंचने वाले हैं मैकेनिक के पास, आगे से यू टर्न लेके आगे हमें उस गली में ड्रॉप करना है ताकि साहब लोग इज्जत से उतरे। हम दोनों तुमसे सीनियर है, सीनियर है ना तुमसे, अंदर लेके जानी है, और अगली दफा गाड़ी लेकर आओ तो पहले गाड़ी ठंडी करके गाड़ी कर लेना। वो कमीशन के पैसे का क्या हुआ जो आपको मैंने दिए थे? प्राइवेट काम की बात कर रहे हो, प्राइवेट काम की बात कर रहे हो ना, आपने देना था ना उसका बंदे का। मैं तो बड़ा ओपनली प्राइवेट काम कर रहा हूँ, यूट्यूब जो है मेरा प्राइवेट काम है, मगर तुम कौन सा प्राइवेट काम कर रहे हो? मैं आपकी रॉयल्टी जो आपकी वीडियोस में सेट करवाता हूं, आप पास ही नहीं वीडियो बनाना, एडिटिंग कराते हैं, साउंड क्वालिटी से व्यूज आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, जो आपको बताता हूं कि आपने वीडियोस किस तरह पे चल गए, तो जब मेरे $2 आएंगे ना उसमें आधा डॉलर पैसे भी देता हूं। रॉयल्टी का 50% आपको मुझे देना है, एक तो तरीका है कि आपने वीडियो बना के अपने पैसे छाप लिए इतने ज्यादा, उसमें व्यूज भी आ गए, उसमें व्यूज भी आ गए, मुझे आपने रुपया नहीं दिया, दूंगा दूंगा मैं एकदम, सही है। अच्छा तुम आगे से गाड़ी घुमाओ, मतलब लाओ इज्जत से, साहब लोगों को ऐसे नहीं छोड़ते, और आप लगता है कि तहा की गाड़ी का काम तो हो गया, मुझे काफी यहाँ जलील खुआर होना पड़ेगा, इसलिए गाड़ी का काम मेरे नहीं होना पड़ेगा, क्यों तुम्हें लेना ना देना जापानी है। अब ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी इन्होंने मुझे गिफ्ट की है प्रिंसिपल इंजीनियर बनने पे। आप इसका जायजा क्यों ले रहे, खरीदने वाले? हाँ मुझे नेस्पा की तरफ से मिली, सीटें ही लगवाएंगे इस गाड़ी में। मेरा आज का बहुत ही एक टायरिंग डे का वीलॉग जो कि मैंने आपके साथ रिकॉर्ड किया वर्कशॉप के अंदर, और मुझे यहाँ करना पड़ेगा थोड़ी देर वेट, इसलिए कि मेरी गाड़ी में अभी लग रहे हैं ब्रेक पैड, साथ आपकी गाड़ी जा चुकी है, उनका काम हो गया, और मेरे साथ यहाँ मेरी आ रही है फैमिली, और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। सो आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे आज की शॉपिंग का हाल। सो जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।